आज का पाठ है भजन संहिता, उसका अध्याय 33, 33। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरी पद आप लोग पढ़ेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोग के स्तुति करना शोभा देता है। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाशमंडल यहोवा के वचन के सारे मुंह की संवाद से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, मेरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति के वर्त कर देता है, वह देश देश के लोगों के कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, वह देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसके अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज उसने अपना नीच भाग होने के लिए चुन लिया है। 13 पद सबको मिल करके हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। परमेश्वर इस वचन पर आज। आज का पवित्र वचन है यशायाह से अध्याय 11 पद संख्या 1-3 तक। शांति का राज्य। तब इसे के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान से यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। ईश्वर इस वचन पर आशीष। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको सबको आशीष। आगे चलते हैं यशायाह 11:1-3 तक। तो इस तरह लिखा है कि 11:1-3 तक शांति का राज्य के विषय पर वहाँ पर लिखा है। 25 तारीख है, प्री क्रिसमस सारे चर्चेस में बनाया जाता है। आज का दिन भी मैं हिंदी आराधना को प्री क्रिसमस समझकर, यीशु के आने का जो प्रवचन दिया गया था यशायाह को, बहुत सारे प्रवचन हैं, तो मैं एक प्रवचन लेकर उसको आधारित कर यीशु इस जगत में क्यों आए और हम उनके लिए क्या करना है, वो हमारे लिए क्या किए हैं। वो आए हैं शांति का राज्य फैलाने, जैसे यशायाह 11:1-3 तक इस तरह है। तब यशायाह के ढूंढ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहर रहेगा। कितने प्रकार की आत्मा है? यहोवा की आत्मा जो परमेश्वर है, यहोवा जो हमारे पिता हैं उनकी आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम। युक्ति मतलब उपाय, अगर हम कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं या फिर हमें कुछ मुसीबतें आती हैं तो उससे हम कैसे अपने उपाय से या युक्ति से बाहर निकले, ऐसे आत्मा। और पराक्रम, युक्ति से निकल कर ही विजय आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी युक्ति से जरूरी नहीं है कि हम उसमें विजय प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी युक्ति है जिसे हम पराक्रम, मतलब हमें कोई हरा नहीं सकता, ऐसा पराक्रमी युक्ति और युक्ति की आत्मा हमें मिलेगी, ऐसे वागदान मिला है। और ज्ञान और यहोवा के भय, मतलब ज्ञान जो है और आत्मा, ऐसा आत्मा है परमेश्वर से जो आया है, ज्ञान और यहोवा के भय। ये ज्ञान कैसा ज्ञान है कि भगवान या यहोवा के ऊपर भय होने वाला ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान के बारे बातें मैं नहीं कर रहे हैं, नॉट कॉमन नॉलेज, नॉलेज ऑफ हैविंग फियर फॉर द लॉर्ड। जो ज्ञान, ये ज्ञान कि हमें यहोवा या भगवान से भय होना है। रेवरेंस टू गॉड इन इंग्लिश, रेवरेंस टू लॉर्ड,
ये भाई क्या, कौन सा भाई है? ये भूत को देखने वाला भाई नहीं, या फिर मनुष्य का भाई नहीं, बल्कि परमपिता के तरफ भय होना। हमारे यीशु मसीह भी परमपिता के तरफ भय से अपना काम पूरा करते आगे निकले। तो कितने प्रकार की आत्मा से वो संपन्न हुए, उन्होंने कहा कि एक टूट होगी या एक ट्रंक है जिसमें से एक शाखा निकलेगी, सैपलिंग, और वो सैपलिंग किसका वंश का होगा? दाविद वंश का होगा। और वो उस डाली से, वो डाली इस तरह फलवंत होगी या इस तरह फ्रूटफुल होगी, उतना बड़ा होगा। ऐसे इन आत्माओं को अपने साथ वो लेकर अपना शांति का राज्य फैलाएगा, क्योंकि अभी शांति नहीं है। शांति लाने के लिए ही शांति का दूत यीशु मसीह यहाँ पर आया है। देखिए, और भी बहुत सारे उनके नाम हैं, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का दूत। तो हम आज ये एक बात लेके आगे निकलेंगे कि यीशु मसीह इस राज्य में या इस लोक में, यह लोक में आए अपनी शांति लेकर। जहाँ अशांति फैली हुई थी वहाँ पे शांति लेकर आए हैं। हमारे दिलों में अशांति है, वजह जो भी हो, वजह शायद आर्थिक समस्या हो, वजह आपकी अस्वस्थ होने की हो, वजह आपको जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, कोई भी वजह हो आपके मन में जो अशांति फैली हुई है, चलो आज हम अपने शांति के दूत को अपने दिलों में पैदा करें। आपके दिलों में पैदा होने, शांति का दूत जब पैदा होता है, यही क्रिसमस है। क्रिसमस क्या है? जीसस का बर्थ। क्रिसमस क्या है? कि जीसस ने बर्थ लिया, जन्म लिया, कहाँ पर? वहाँ पे बेतलेहम नहीं, आपके दिल बेतलेहम है। आपके दिलों में अशांति है, वहाँ शांति देने, जन्म लेने आज आपके दिलों में आ रहे हैं। आपको खुशी हो रही है? मुझे तो बहुत खुशी है। आपके दिल या आपकी आत्मा अशांति से भरा हुआ है और वो आपके दिलों में जन्म लेने के इच्छुक है, जन्म लेने के लिए इच्छुक है। क्या आप उसे अलाउ कर रहे हो, परमिट दे रहे हो? आप उसको अलाउ मतलब आने दे रहे हो? शांति के दूत को आपके दिलों में जन्म लेने से आप क्रिसमस या क्रिस्त, शांति के दूत यीशु मसीह आपके दिलों में जब जन्म लेते हैं तो आपका क्रिसमस है। समझ में आई बात? आपके दिलों में यीशु मसीह ने जन्म लिया है कि नहीं? अगर लिया नहीं है, अगर शांति फैला हुआ है आपके आत्मा में, तो आज ही उन्हें जन्म देने का अवसर दीजिए, जगह दीजिए और आशीष पाइए। इसी विषय पर मैं आज आगे थोड़ा चलती हूँ। शांति का राज्य, शांति का दूत आपके अशांति दिलों में जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। चलो क्रिसमस मनाते हैं, ठीक बात? क्रिसमस मनाते हैं, शांति के दूत को अपने दिलों में जन्म देने का अवसर देकर क्रिसमस मनाते हैं कि नहीं? मैं आपको प्रश्न कर रही हूँ, हाँ या नहीं? हाँ, खुशी है जिसको शांति के दूत को अपने दिलों में जन्म देने के लिए जो इच्छुक है, तालियां बजाइए। तो यस, सो इस बात से मुझे समझ में आ रही है कि आपको समझ में आई है जो मैं बता रही हूँ। प्रभु परमेश्वर की जय हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो ट्रंक, जो यहाँ पे टूट, हिंदी में इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि सबको समझ में नहीं आएगा, ट्रंक जो सूख गया है, जो एकदम फलित नहीं होगा, उसमें जीव नहीं है, लेकिन उसमें से एक डाली फूट उठा। देखिए, हम लोग जो भी प्लांटेशन गार्डनिंग करते हैं या फार्मिंग करते हैं या फिर किसान हैं या फिर जो भी घर में भी अगर कुछ पौधे लगाए हैं और वो सूख गया है, तो आप दुखी होते हो? नहीं दुखी होते हो, लेकिन एक बार आप पानी डालते एक बार उसमें से छोटा सा सैपलिंग, छोटा सा अगर डाली निकल आता है बाहर, तो आपको खुशी होती कि नहीं? उसको देखकर, उसको बहुत ध्यान से संभाल कर रखते हो। उसी तरह हमारे जो जीवन अशांति, जीवन टूट में, टूट जो है ट्रंक, अनपीसफुल ट्रंक से शांति, पीस, द प्रिंस ऑफ पीस अगर जन्म लेकर आया या जीवित होके आया, और वो क्या क्या ज्ञान लेकर आया है, यहाँ पे जो वचन हमें बताता है कि ये जो डाली है फलवंत होगा,
बहुत फ्रूटफुल है, लेकिन किन चीज़ों से? यहोवा की आत्मा से, जो पिता परमेश्वर यहोवा है, इनके पुत्र है ये, और उनके आत्मा से, उनकी जो आत्मा है यहोवा के आत्मा के द्वारा ये फलवंत होगा। और बुद्धि और समझ, बुद्धि होना, सबको बुद्धि है लेकिन समझ किसी को नहीं है। एक हस्बैंड और वाइफ है, दोनों को बुद्धि है, भगवान दोनों को नॉलेज दिया है। पैदा होते ही जिसको दिमाग ब्रेन है, जिसको दिमाग है उसको बुद्धि है, लेकिन समझ किसी को नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, विवेक जिसको कहते हैं वो नहीं है। एक बात मैंने कहा महेश तुम ये काम करो, उसको बुद्धि है। एक बात मैंने कहा शिल्पा ये करो, उसको भी बुद्धि है। ठीक है, मैं वो बात बोलती हूँ, मैंने कहा कि मुझे प्यार करो, राइट, इसने भी सुन लिया, उसने भी सुन लिया, लेकिन प्यार किसने किया? शिल्पा ने किया। तो समझ कहाँ है? समझ कहाँ है? शिल्पा में है कि नहीं? तो यही है बुद्धि और समझ में डिफरेंस। ये नहीं कह रही कि महेश प्यार नहीं करता, एग्जाम्पल लेके मैंने कहा है, उदाहरण कहा है कि बुद्धि सभी को है, पैदाइश बुद्धि है, पैदा होते ही हमारे पास शारीरिक रूप से जो दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, वो है कुछ, तो कुछ ना कुछ तो समझ बुद्धि है, लेकिन उसको सही रूप से प्रयोग करना ही समझ है। तो बुद्धि और समझ, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह की को समझ की ज्ञान थी। वे विचार आए, टैक्स कलेक्टर्स आए, बहुत लोग, बहुत सारे के सारे लोग पापी ही थे। वो आए इस जगत में पापियों को बचाने, अस्वस्थ को स्वस्थ करने, या फिर जो मुसीबत में है उन्हें निकालने, जो अंधकार में है उन्हें प्रकाश की ओर लाने। प्रकाश में जो है, प्रकाश में ले आने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ट्यूबलाइट है, एक और ट्यूबलाइट डाल दे, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जहाँ पे अंधकार है वहाँ एक ट्यूबलाइट का बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जिसको ज्ञान नहीं है उसे ज्ञान देने, या फिर समझ देने। आपके पास जो बुद्धि है उस बुद्धि को समझ, मतलब बुद्धि को प्रयोग करके समझने की शक्ति उन्हें दी है। इसलिए बाइबल जो पढ़ता है, बहुत बहुत बड़े लोग पढ़े हैं, पास्टर जी भी कहते हैं ना, पादरी जी, कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। हमें क्यों समझ में आता है? क्योंकि जो बुद्धि है वो बुद्धि हम यीशु मसीह के ज्ञान से हम उसे समझते हैं। उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, यीशु को हमने अपने दिलों में रखा है, हमारे बुद्धि में रखा है। इसीलिए जो पढ़ते हैं बुद्धि को प्रयोग करके समझ में आता है हमें, इसीलिए हमें बाइबल समझ में आती है। बाइबल ही नहीं बल्कि सारे जो शब्द हमें है, हमें समझने की शक्ति कहाँ से आती है? यीशु मसीह के वजह से। तो बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम, मतलब कहीं अगर उलझन आ गई है तो युक्ति से हमें काम करना चाहिए। क्लेवरनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं क्लेवरनेस, स्किलफुल, किस तरह हमें उसे यूज़ करना है। एक गांठ पड़ गई है तो एक घर की महिला बहुत आराम से निकालती है, वही अगर पुरुष को दो तो गांठ निकाल पाएगी? धागों में उलझन पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, कोई गांठ निकाल पाएगा? नहीं। हमारे बालों में हमेशा बहुत गांठ पड़ते हैं, हम आराम से कंघी से निकाल लेते हैं, लेकिन वही राजू के मिसेस के बालों में अगर गांठ पड़ गए, राजू को कंघी दे, कंघी करो, तो वो पूरा बाल ही काट देगा शायद, उसको उसमें उतनी शक्ति नहीं है। गांठ मतलब जो मुसीबतों की गांठ, या समस्याओं की गांठ, परेशानियों की गांठ, रोगों की गांठ, जो भी आपकी जीवन में गांठ पड़ जाती है उसे युक्ति से निकालना होता है, क्लेवर से। युक्ति कहाँ से आती है? ऊपर से। जो जो मैंने अभी ये ज्ञान पढ़े हैं सब ऊपर से ही है, यहोवा से आती है। यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम। और किसी को हमें हराना है, कौन है वो हराने वाला? हमें किसे हराना है? इस लोक में जो अधिपति है कौन है? इस लोक में कौन है? कौन है? ये शैतान है। वो वहाँ से लड़ाई कर मिशेल से प्रकटन या रिवलेशन 8 और 11 में क्या हुआ, वहाँ से भगवान के क्रोप से लड़ाई होकर, युद्ध होकर वहाँ से गिर पड़े। कहाँ पर गिर पड़े? हमारे धरती पर ही गिर पड़े। और आते आते अपने सारे दोस्तों को लेकर आ गया वो, और अभी ये वायुमंडल में
अपना अधिपति जमाए बैठा हुआ है। पैदाइश हम अच्छे से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारी बुद्धि और समझ प्रभु यीशु से या यहोवा से प्राप्त होना होता है, लेकिन हम इस लोक में जो अधिपति है वो आके हमें अफेक्ट करता है, ये हमें प्रभावित करता है और हम उसकी समझ में और उसकी बुद्धि में और उसकी आत्मा में उससे मिल जाते हैं, इसलिए हम उसे पराक्रम उसे हरा नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम भगवान या यीशु मसीह की बुद्धि और समझ हम में रखते हैं तो हम उसे हरा सकते हैं, हम पराक्रम हो सकते हैं, उसे हरा कर हम विजयी प्राप्त कर सकते हैं। तो युक्ति और पराक्रम, युक्ति से हम उसे हराना चाहिए, इसी वजह से हमें पराक्रम मिलेगी। विथ स्किलफुल अंडरस्टैंडिंग इफ यू फाइट विथ द सैटन वी विल गेट द विक्ट्री, पराक्रम विक्ट्री, राइट। नेक्स्ट इज यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय, और यही नहीं ये सब यहोवा के तरफ हमें भय होना चाहिए। वी शुड हैव फियर ऑफ द लॉर्ड, रिवरेंस फॉर द लॉर्ड। जो भगवान है, भगवान ऊपर है और मैं नीचे हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ। ऐसा अगर आप भय मानकर चलते हो तो आप ये सारी जो शांति के राज्य का होने का जो लक्षण, ये टूट से या ट्रंक से जो जन्म हुआ, जो सैपलिंग, ये सब ये आशीर्वाद लेके जन्म हुआ। ये जो ट्रंक है ना, जो यो टूंट से जो सैम्पलिंग निकला, ये किस आशीर्वाद से आए हैं? चार प्रकार के आत्माओं के साथ उन्होंने अपना शांति का राज्य स्थापित करने की कोशिश की। मैं फिर पढ़ती हूँ, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम और ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा से वो जो डाली है उत्पन्न हुआ, उस सूखा हुआ ठूंट से ये सारे आत्माओं को साथ वो जीवित हो उठा। अगर हमारे दिल में या हमारे ठूंट में अगर शांति के दूत को या फिर यीशु मसीह को हमें उत्पन्न करना या पैदा करना है, ये सारी आत्माओं को हमें भी लाना है, हमें भी मांगना है, हमें भी शामिल करना है। यहोवा का भय होना है, बुद्धि और समझ होना है, और यहोवा के आत्मा के अनुसार काम करना है, और समझ और बुद्धि के साथ काम करना है, तभी शांति का राज्य हम स्थापित कर सकते हैं, या शांति का राज्य यहाँ पे स्थापित होगा, या शांति का दूत यहाँ पैदा होगा। पैदा होने का पैदाइश मतलब टू टेक बर्थ इन योर हार्ट, इन योर बेथलेहम हार्ट वेयर इज़ नो पीस। अगर आपको पीस, प्रिंस ऑफ पीस को जन्म देना है, तो इन सब आत्माओं को आप स्ट्राइव हार्ड, आपको कोशिश करना है सारे आत्माओं को आप पाने के लिए। थोड़ी और आगे जाना चाहूँगी मैं। ज्ञान 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 हम बात कर रहे हैं, आत्मा आत्मा करके बात कर रहे हैं, ये चारों ज्ञान और समझ की आत्मा, यहोवा की आत्मा, युक्ति, युक्ति में भी ज्ञान है, स्किल, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और भय की आत्मा, ये सब पाने के लिए पहले हमें ज्ञान होना है। कौन सा ज्ञान? यह लोक में जो ज्ञान है वो ज्ञान, या जो परलोक में जो ज्ञान है वो ज्ञान? कौन सा ज्ञान चाहिए हमें? कैसी ज्ञान चाहिए हमें? कौन सा ज्ञान? अगर यीशु मसीह को हम यहाँ जन्म देना चाहते हैं तो किस तरह का ज्ञान चाहिए? यीशु मसीह ने किस तरह का ज्ञान लिया? ये यहोवा से उन्होंने ज्ञान पाया, यहोवा के तरफ उनका भय रहा, यहोवा के तरफ से भय और बुद्धि पाई, और इस तरह वो इस लोक में आकर अपना शांति का राज्य फैलाया। और नीचे नीचे बहुत है, अगर हम आगे चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये घर जाकर वचन 3 से लेकर वचन 8 तक घर में पढ़िएगा। अगर शांति का दूत आपके मन में है, या शांति का राज्य कैसा रहेगा कि एक सिंह और एक भेड़िया और भेड़, एक बछड़ा और एक सिंह, सब एक साथ रहेंगे, और उन्हें रूल कौन करेगा? एक छोटा सा बच्चा, इस तरह वहाँ दिया है। तो इस अंश को मैं यहाँ छोड़कर, ज्ञान, हम कैसे अपने यीशु मसीह को पैदा करने के लिए, अपने दिलों में पैदा करने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? याकूब पत्रिका जेम्स 3:13-18, कौन सा ज्ञान हमें है? हमारे पास ज्ञान है, लेकिन कौन सा ज्ञान होने पर प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में शांति का दूत के रूप में पैदाइश होंगे? एज अ प्रिंस ऑफ पीस
ही हैज टू टेक बर्थ इन आवर हार्ट्स। तो इसके लिए हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? तो 13 में लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? किसके पास ज्ञान है वो कहेगा मैं ज्ञानवान हूँ। जिसके पास सब्जी है, सब्जी वाला, राइट? जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान वाला, ज्ञानवान। जिसके पास समझ है, समझवान। तो तुम में ज्ञानवान और समझवान कौन है? जो ऐसा है, मैं 14 पढ़ रही हूँ, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? यहाँ पे दो प्रकार के ज्ञान दिया है, 14, 15, 16 में। सांसारिक ज्ञान जो यहाँ के यहलोक के अधिपति का ज्ञान है, और 17 में एक और ज्ञान है जो स्वर्गीय ज्ञान कह रहे हैं। तो हमें देखना है कि, परखना है कि हमारे पास जो ज्ञान है क्या यह स्वर्गीय ज्ञान है या सांसारिक ज्ञान है, या फिर यहाँ पे अधिपति होने वाले का ज्ञान है। देखिए यहाँ पर जो अधिपति होने वाले का ज्ञान इस प्रकार है, अगर पर यदि तुम अपने 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 मन में कड़वी हाट और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान तो वही नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होते हैं। तो ये 14, 15, 16 में कहते हैं कि जो ज्ञान में कड़वाहट है, अगर आप बोलते हो आपके पास ज्ञान है, ज्ञान से बोलते हो, उसमें कड़वाहट है, कड़वाहट, बिटनेस, जेलस अगर है आपकी बातों में, अगर कड़वाहट दिखती है तो आपके पास जो ज्ञान है किसका ज्ञान है? परमपिता का ज्ञान है। यहाँ पे ये धरती का पिता का ज्ञान है, राइट? और एक है विरोध करने वाला, हमेशा कोई भी बात करो विरोध करता है। ऐसा क्यों? चलो हम खाना खाते हैं, क्यों खाना खाएंगे? कुछ भी बात करे तो विरोध, जो समझ की बात नहीं है। समझदार क्या कहेगा? समझदार कैसा रहेगा? कोई कुछ कहता है तो उसे समझने की कोशिश करेगा, बल्कि विरोध नहीं करेगा, राइट? तो जो कड़वी बात करता है, विरोध करने वाली बात करता है, सत्य के विरोध, सत्य क्या है? वचन। कोई भी सत्य बात कोई कहता है तो उसको विरोध में बात करता है, वैसे ही घमंड जो है, घमंड का जो प्रवृत्ति है, जो घमंड करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ, नाटा हूँ, कुछ भी हो, भगवान में बहुत अच्छा हूँ, अगर ऐसा सोच रहा है, घमंड करता है, तो वो ज्ञान किसका है? भगवान का ज्ञान नहीं है वो, राइट? वैसे ही ना तो वो झूठ बोलता, झूठ भी बोलना गलत बात है। सत्य को विरोध करके जो झूठ बोलता है, घमंड करता है, विरोध करता है और कड़वी बात करता है, ये सारी बातें स्वर्गीय या भगवान से आने वाली आत्माओं से नहीं है। तो मैं 7 बातें स्वर्गीय ज्ञान की ओर ले जाना चाहती हूँ, 7 बातें जो स्वर्गीय ज्ञान से रिलेटेड है, कि कड़वाहट, नोट कर सकते हैं आप, कड़वाहट, विरोध करने वाले और सत्य के विरोध करने वाले, घमंड करने वाले, झूठ बोलने वाले और बखेड़ा, जहाँ यहाँ वहाँ झगड़ा, बखेड़ा मतलब झगड़ा कराने वाले, या फिर कन्फ्यूजन पैदा करके लोगों के बीच में अच्छा रिलेशन जो नहीं कर पाता है। बखेड़ा मतलब बेकार में, कुछ भी बात नहीं होता लेकिन दोनों के बीच में बखेड़ा मतलब झगड़ा पैदा करता है, वैसे वाले, और दुष्कर्म करने वाले, अच्छे काम जो नहीं करते हैं, ये सारे काम करने वाले का ज्ञान कहाँ से है? सांसारिक, यहाँ पे दिया गया सांसारिक, मैं कहती हूँ ये सब सैतनिक या शैतान संबंधी ज्ञान है, जो एक दूसरे के साथ प्यार से रहने के लिए नहीं छोड़ता। कड़वी बातें करते हैं प्यार से रहने के लिए करता है क्या? नहीं। विरोध करता है, साथ रहने वाली बातें हैं? नहीं। झूठ बोलता है, गलत बात है, सच पर नहीं चलता, घमंड है, ये सारी बातें जो है 13, 14 और 15 ये कहते हैं कि ये सारी बातें भगवान की आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये शोभित नहीं है, भगवान की आत्मा को शोभा देने वाली नहीं है। अगर ये ज्ञान आपके पास है, आपके पास घमंड है, आपके पास विरोध करने वाली ज्ञान है, झूठ बोलने वाली ज्ञान है, अकड़पन वाली ज्ञान है,
बखेड़ा करने वाली, यहाँ की बातें वहाँ यहाँ रखकर आपको बखेड़ा करा खड़ा करने वाली ज्ञान है, तो आपका ज्ञान भगवान से नहीं है, भगवान से प्राप्त वाला ज्ञान नहीं है। बुद्धि है लेकिन किसका ज्ञान आप प्रयोग कर रहे हो? सांसारिक ज्ञान जो संसार में है। संसार में कौन है? शैतान है। शैतान है संसार में, वो भूपति बना हुआ है, वो संसार में रूल कर रहा, अधिपति जमाया बैठा हुआ है। वह आपके ज्ञान आपके बुद्धि को प्रयोग करके अपना ज्ञान से सारी बातें आपसे पैदा कर रहा है। आपको बुद्धि को प्रयोग कर अपने ज्ञान से सारी बातें आपके दिलो दिमाग में डालकर आपके मुंह से बुलवा रहा है, आपके शरीर से करवा रहा है। घमंड होने की प्रक्रिया के वजह से ही वो ऊपर से नीचे फेंका गया था। जो दो लोगों के बीच में बखेड़ा खड़ा करता है वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, झूठ बोलता है परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, सत्य को नहीं मानता वो भगवान का ज्ञान नहीं है, भगवान का पुत्र भी नहीं है, उसमें यीशु मसीह नहीं रहता, ये यीशु मसीह का आत्मा नहीं है। ये किसकी आत्मा है? तुरंत आप पहचान लो उसे, ये सांसारिक आत्मा है। चलो अभी स्वर्गीय आत्मा क्या है, 17वां दिया है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, कहाँ से? ऊपर से, स्वर्ग से आता है, आपके परम पिता से आता है, वो कैसा है? पवित्र है, प्योर, पवित्र होता है, उनके मन में मलिन नहीं होता, कोई दुष्ट कार्य नहीं होता, कोई गंदी बात नहीं होती। मलिन मतलब प्योर है, बातें जब करते हैं तो कोई कड़वाहट नहीं होती है या फिर हर्ट करने वाली या आपको दुख पहुंचाने वाली बात नहीं होती है। प्योर होता है मतलब स्वच्छ होती है, और मिलनसार, फेलोशिप मतलब अपने आप को मिलने वाली। देखिए पहले वाला बात क्या है, बखेड़ा करा करते दो जनों के बीच में झगड़ा पैदा करने वाली बातें, यहाँ पे कैसा है? दो लोगों को मिलाने वाले, मिलनसार मतलब दो लोगों को मिलाने वाली बातें, फेलोशिप, विल हैव प्योरिटी एंड फेलोशिप, फ्रेंडशिप। कोमल बातें कैसी होती है? बहुत कोमल, वेरी वेरी जेंटल बातें, बहुत कोमल से बात करते हैं। आइए हमारे साथ बैठिए, क्या खाएगा, ऐसे बहुत हृदय को सुख पहुंचाने वाली बातें। मृदु भाव, मृदु भाव मतलब मधुर मधुर बातें, भावना भी, भाव क्या है? फीलिंग, आपके अंदर कैसे फीलिंग है? प्यार की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, मृदु भाव है और दया है आपके पास। गिर जाते हैं तो आप उसे उठाते हैं, आत्मीय रूप से गिर जाते हैं, शारीरिक रूप से गिर जाते हैं, आर्थिक रूप से गिर जाते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से गिर जाते हो, आत्मीय रूप से गिर जाते हो, कुछ भी हो तो आपको दया से उठाते हैं। अपवित्र हो गए तो पवित्र की ओर लेके आते हैं, बखेड़ा कर दिया तो मिलनसार बातें करते हैं, अगर वो बहुत रूढ़ है कठोर है तो आप अपने कोमल बातें से उन्हें मनाते हो और दया दिखाते हो। आपकी अच्छी अच्छी बातों से, अच्छे अच्छे फलों से, मतलब फल मतलब आपके जो अच्छे कार्य हैं विद गुड डीड्स, उसे आकर्षित करते हो। ये जो बातें हैं ये सब ऊपर से आया है, भगवान का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऊपर से आ रहे हैं। और मिलाप कराने वाला कौन है? इंग्लिश में पीस मेकर दिया है इंग्लिश में, इसलिए मैं इंग्लिश बाइबल लेकर आई। पीस मेकर जो शांति फैलाता है, मिलाप करने वाला, मिलाप करने वाला कौन है? प्रभु यीशु। अगर आपकी जिंदगी में, आपकी आत्मा में, आपके हृदय में अगर शांति का दूत यीशु मसीह जन्म लेता है तो मिलाप के कार्य आप करोगे। 17 वचन में जो है, मृदु भाषा आप बात करोगे, मृदु भावना आपकी होगी, कोमल बातें होंगी, अच्छे कार्य करेंगे आप, दया होगी आपकी मन में, मिलाने वाली बात करोगे, तोड़ने वाली बात नहीं करोगे। कहाँ मिलाने वाली? सारे परमेश्वर के, जिस तरह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मिलाया हमें, हम पापी थे, वे आए इस धरती में, जन्म लिए, अपना खून बहाया, अपना जीवन दान दिया, किस लिए? हमें बचाने के लिए। लहू किस लिए बहाया? हमें बचाने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए। और करके उन्होंने क्या किया? अपनी तरफ
मुड़वाया क्या? नहीं, किसके तरफ मुड़वाया? अपने परमपिता के तरफ मुड़वाया। जो बंधन आदम के द्वारा टूट गया था पाप के वजह से, उन पापों को अपने कंधों में लेकर अपने खून के क्रयदान से, अपने खून देकर सातान के जो वंश में हम थे, उन्होंने सातान ने अपने हमें खरीद लिया, दास बना लिया। प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, आज हम प्रिंस ऑफ पीस, आप शांति के दूत हो, आप जब जन्म लिए, आप जब थूट में से कोमल पत्तियां निकली, उस तरह हमारे थूट भरे जीवन में आपकी कोमल पत्तियां जैसे शांति दूत की मसीहा जन्म ले, ऐसा आप अनुग्रह करिए। हम आप जैसे बने, शांति फैलाने वाले यीशु मसीह के बच्चे बने, हम हमारे साथ रहिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर समर्पित करती हूँ। आमीन।